बिहार से लोगों का पलायन जारी था और बिहार के अंदर में आदरणीय नीतीश जी और मोदी जी की सरकार बनने के बाद बिहार से मजदूरों का पलायन रुक गया है। बिहार के अंदर ही रोजी रोटी की पूरी संभावनाएं बन गई और यहां मिल भी रहा है। इस कारण से हमारा बयान कोई गड़बड़ नहीं था। आज से 15 साल पहले लालू राबड़ी जी की सरकार में इस तरह का मजदूरों का पलायन पता था। शौक से बिहार के अंदर जिस समय 15 सालों की सरकार लालू प्रसाद यादव जी की और राबड़ी जी की सरकार थी, तो उस समय का समय देखिए ना, बिहार के अंदर में तो कोई रोजगार नहीं था। तो रोजी अभी बिल्कुल रोजगार है बिहार के अंदर में। नीतीश जी और मोदी जी की सरकार में एक भी आदमी भूखो नहीं मर रहा है। देखिए, वो कुंठित है। मंत्री जी का विभाग चेंज हो गया है तो उनके दिमाग में बालू अभी तक भरा हुआ है, इसलिए वह ऐसा बयान दे रहे हैं। राज्य में जो पलायन है वो शौक से नहीं है, बल्कि कामों की तलाश में है। रोजगार के सृजन के हम कोई कारगर पहल नहीं कर रहे हैं, बजट में प्रावधान नहीं कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर जो लोग बाहर पलायन कर करके जीविका उपार्जन के लिए जाते हैं तो सत्य है, इस सच्चाई से कौन इनकार कर सकता। ये तो जग जाहिर है कि जब से माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार बनी है बिहार में, जब से सरकार आई है तब से लेकर अब तक लगातार हरियाणा में, पंजाब में लेबरों का प्रॉब्लम है। तो पलायन कम हुआ है बिहार से, तब न पंजाब और हरियाणा और राजस्थान में लेबरों का और मजदूरों की संख्या घटी है। पलायन रुका है, जिसको बहुत कमाने की इच्छा है वो बाहर जा रहे हैं। मंत्री का जब वो चश्मा पहन लेते हैं तो उनकी आवाज़ बदल जाती है। उनसे पूछिए कि कटिहार के हम भी प्रभारी मंत्री थे और कटिहार से पलायन हुआ है कि नहीं, इस पर वो बताएं। लालू और राबड़ी को कितना दिन याद कीजिएगा? 15 साल से आपका शासन है, एनडीए का। इस एनडीए शासन में आपने कौन अच्छा काम किया? आपकी अच्छाई यही है कि 15 साल में इस देश में इतनी बड़ी बच्चों की निर्मम हत्या नहीं हुई थी। मुजफ्फरपुर का कांड, 2-3 घटनाएं जो घटी हैं, मुजफ्फरपुर सेल्टर होम की घटना शर्मसार किया पूरे देश में, बिहार को। बिहार में इन बच्चों की जो चिमकी बीमारी से जो हत्या हुई, मारे गए लोग, उस पर आपके तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया। मुख्यमंत्री ने आगे की प्लानिंग की बात जरूर की कि बिहार में हम इस तरह से इसको बचा सकते हैं, मगर इसमें कौन दोषी है और उस दोषी पर कौन कार्रवाई आपने किया? नैतिकता के आधार पर आज भी मेरा स्पष्ट मानना है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।